दमदार दुर्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहता है वोटर की टीम दुर्ग पहुंच चुकी है, दुर्ग के मिजाज को समझने पहुंच चुकी है। भिलाई के सिविक सेंटर पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। बहुत सारे सवालों का एक घेरा है। 130 साल पुरानी पार्टी जिसका अपना एक इतिहास रहा है, आज उसका कार्यकर्ता आहत है या आक्रोशित है? प्रचंड जनादेश वाली पार्टी, आखिर उसके पास क्या बाली की ताकत आ चुकी है? रामायण के पात्र बाली जिसके सामने खड़ा हो जाए उसकी आधी ताकत खींच ले क्या? इसके अलावा लगभग विश्वगुरु की घोषणा के बीच में 80 करोड़ लोगों को अभी भी अनाज बांटने की जरूरत है। इसके अलावा जब हम ट्रेनों की बात कर रहे हैं, वंदे भारत कर रहे हैं, एसी के कोच 12 बढ़ा दिए जाते हैं, स्लीपर के कोच 5 कम कर दिए जाते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे जो देश से जुड़े हैं, प्रदेश से जुड़े हैं, बहुत काबिल एक पैनल भी हमारे साथ है, वोटर भी हमारे साथ है, राजनेता भी हमारे साथ है, कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ हैं। और अगर वोटर उसमें शामिल होना चाहे, खुद से शामिल होना चाहे तो उसका स्वागत। अगर वो शामिल होता है तो अच्छा, अगर वो शामिल नहीं होता है तो और अच्छा, उसकी वजह है। अगर आप आज सवाल नहीं पूछेंगे तो कल जब आप सुविधाएं मांगने जाएंगे थोड़ी सी शर्म आपको जरूर आएगी। बहरहाल चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले किन मुद्दों के साथ चुनाव में कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? पूरा 400 तो पार होगा ही जी। मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा समय कभी भी नहीं आया था, इतनी संख्या में हमें सीटें मिलेगी, संसद की सीटें। हम भी पूरा आत्मविश्वास है, पूरे देश को विश्वास है। का नारा आपकी बार 400 पार। जी जी जी, जी। आपकी बार 400 पार। आपके हिसाब से? बिल्कुल 400 पार। एक तरफ नारा है 400 पार, दूसरी तरफ मैंने अभी कहा भी था कि कार्यकर्ता कांग्रेस से आहत है या आक्रोशित है। भारत जोड़ो यात्रा निकली और भारत न्याय यात्रा निकल रही है। सक्सेस रेट दोनों का बहुत फासला है। न्याय यात्रा का सक्सेस रेट आप खुद देख लीजिए। देखिए, आप देखते होंगे कोर्ट में भी जो केसेस चलती हैं, तो आप देखते होंगे जो सच रहता है, जो जिसमें सच्चाई रहती है, उसको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है और अंततः जीत सच्चाई की होती है। मैं बिल्कुल मानता हूं अभी परिस्थितियां थोड़ी हमारे विपरीत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनाव नहीं। 2018 में सत्य जीता छत्तीसगढ़ में, फिर सत्य हार गया। देखिए, छत्तीसगढ़ में इन्होंने झूठ का जो प्रोपेगेंडा चलाया, मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब फरेब की गारंटी। इन्होंने महतारी बंधन योजना लाया। आपको मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में 1,03,00,000 शादीशुदा हमारी माताएं बहने हैं, लेकिन उन्होंने उसमें 75 नियम घुसा दिया। आज देखिए, नगर निगम में महिलाएं धक्के खा रही हैं, कोई आधार कार्ड अपडेट नहीं करा पा रहा, तो कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं। और जब ये चुनाव में आए थे तो ये बोले थे कि प्रत्येक विवाहित महिला को पैसा मिलेगा 1,000, और कुछ महानुभाव चुनाव के समय ही 1,000 रुपया बांट दिए। मतलब ये लोग किस तरह से कदाचार किए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जब पिछली सरकार थी भूपेश बघेल जी की सरकार, उस समय जब किसानों की हक में भूपेश बघेल जी ने बोनस और समर्थन मूल्य दिया, उसमें रमन सिंह को भी दिया, उसमें विष्णुदेव साय को भी दिया, उसमें गरीब किसान को भी दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भेदभाव होता है। ये लोग गिने चुने भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को केवल महतारी बंधन योजना का लाभ दे रहा है, बाकी गरीब महिलाओं को बिल्कुल नहीं दे रहा। अभी हालांकि उसका लाभ मिलना शुरू नहीं है, अभी प्रोग्रेस चल रही है। मोदी सरकार में जब हो रहा है महिलाओं का सम्मान, तो ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस क्यों हो रहा है परेशान? भ्रष्टाचारी कांग्रेस क्यों परेशान? जी प्लीज। मोदी जी की गारंटी आज पूरा देश का एक एक व्यक्ति मानता है कि मोदी जी की गारंटी में सच्चाई है। और ये बोल रहे थे 75 कॉलम, मैं मानता हूँ 75% महिलाएं पूरी छत्तीसगढ़ की इस योजना से लाभान्वित होंगी, और इनसे बड़े ढोंगी कहाँ मिलेंगे। इन्होंने कहा था 2,500 रुपए भत्ता युवाओं को, प्रत्येक बेरोजगार युवाओं को देंगे। क्या स्थिति रही उसकी? 4.5 साल बाद योजना को लागू करते हैं, उसमें 75 कॉलम थे, हमारे पास कोई 75 कॉलम नहीं। हम 75% महिलाओं को इसका लाभ देने जा रहे हैं। कि जब भी देश का उत्थान होता है, और जो अभी बात हो रही है पूरे देश में, जो माहौल बना हुआ है कि हमें अब विकासशील देश नहीं रहना है, हमें विकसित देश की ओर अग्रसर होना है, जब ये बात चल रही है तो इसमें सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभाने जा रहा है तो वो व्यापारी वर्ग निभाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यापारी वर्ग जो होता है वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता है, वो सरकार के लिए, देश के लिए, और यहां तक कि जितने भी रोजगार के अवसर होते हैं वो वहां से होके गुजरते हैं।
अगर व्यापारी अपनी दृष्टि से ये चीजों को देख रहा है कि जो बात और जो माहौल चल रहा है, हम अपनी पांचवी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी के ओर जाने वाले हैं, तो बिल्कुल हमारी नजर से हम देख पा रहे हैं कि वो होने जा रहा है, क्योंकि वो संभव हो रहा है, क्योंकि हम लोग 24 घंटा काम करते हैं और ये देखते हैं कि देश की तरक्की में सिर्फ सबसे बड़ा योगदान जो होना चाहिए वो हमारा होता है और हम ये देख पा रहे हैं। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो होने जा रही है वो कहां से हो जाएगी? नौकरी करने वालों के माध्यम से नहीं होगी, उन लोगों के माध्यम से होगी जो देश को ये बताएंगे कि हमें मिलजुल के काम करना है, कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। हमारे ऊपर कर्जा कितना वर्ल्ड बैंक का, शायद उनकी जानकारी इनको नहीं हो रही होगी कि भूखमरी के मामले में हम नेपाल भूटान से नीचे जा रहे हैं, कर्जे के मामले में हम सबसे नंबर वन पे जा रहे हैं। तो ये चीज भी व्यापारी वर्ग को देखना चाहिए। बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने याद दिलाया, 192% कर्ज ज्यादा। हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही, किसी भी चीज को काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। बात ये कर्ज की नहीं है, बात ये अहमियत रखती है कि क्या वो हमारी नियत है, क्या हम अपने काम से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको कर्ज को चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, वो वाली बात है। इन कांग्रेस वालों को कर्ज की इतनी समस्या, 5 साल का अवसर मिला, 1000 करोड़ का कर्ज हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर डाल दिए, कर्ज किस बात का, यही नरवा, यही गुरुआ, यही बारी के नाम पे। भ्रष्टाचार की तो ऐसी लिस्ट है ना, जनता ने इन्हें इसलिए खदेड़ के भगाया है। लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रहा, और भारतीय जनता पार्टी जो थी वह रोजगार का वादा करके युवाओं का वोट प्राप्त की थी, ठीक है 10 साल में 20 करोड़, हर साल 2 करोड़ रोजगार, पर बातें की सब बातें धरातल पे कहीं नहीं दिख रही है। मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, और विकसित भारत का की जो यात्रा चल रही है वो अनवरत अविरत चलेगी। आप देखते जाइए इस लोकसभा के बाद भारत कहां से कहां जाता है। अब की बार 400 पार है, और जो कांग्रेसी भाई भी मैं बोलना चाह रही थी, मैं कहती जवाब मैं नहीं दूंगी, जवाब जनता ने दिया है, जनता ने इनको खदेड़ के भगाया है। कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी के काम को देख करके और ये मानसिक तनाव में रहते हैं, सबसे बड़ी के मानसिक तनाव में रहते हैं, इनके नेता के भी है, कार्यकर्ता के भी है। एक बात कहना चाहूंगी, भारत सिंगापुर के साथ आजाद हुआ था, 60 साल भारत क्या स्थिति में रहा और सिंगापुर की क्या स्थिति थी तब बताइए, अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कितना विकास कर रहा है ये गौर फरमाइए। महंगाई के साथ में लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है, कई गुना इनकम बढ़ रहा है, जो स्कूटर में थे आज कार में चल रहे हैं, जो साधारण स्लीपर में सफर करते थे वो एसी में और प्लेन में जा रहे हैं। महंगाई के साथ बढ़ रही है कमाई, कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश के सभी युवाओं को भरोसा है, सभी माताओं को भरोसा है 1 करोड़%। ये दिल पे हाथ रख के बोलेंगे, कांग्रेसी ये भी जानते हैं इस बार ये चुनाव हारने वाले हैं, बेचारे बेमन से यहाँ पे हैं, हम जानते हैं इनकी भावनाओं को और इनके भावनाओं की कदर करते हैं। 2003 की यही स्थिति थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हार गए थे, 2004 में वापस कांग्रेस आई थी और वहाँ पे बहुत फील गुड चलता था, इंडिया शाइनिंग चलती थी, अटल जी का एक स्वच्छ छवि का चेहरा था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। मैं देख रहा हूँ तो अभी भी बीजेपी 400 पार है, वो जिस तरीके से 400 पार करना चाहती है वो ऑलरेडी 400 पार है, तो वो इस तरीके से क्यों कर रही है? मतलब मोदी जी ने देश को सफाई का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू किया था, पर आखिरी में डस्टबिन अपनी पार्टी को बना दिया, इससे मुझे बहुत तकलीफ। बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री जी ने सफाई का कार्यक्रम शुरू किया कांग्रेस की तरफ से, इनका कांग्रेस को लेकर इनका ये सवाल है, और अपनी ही पार्टी को डस्टबिन बना दिया। मैं आ रहा हूँ आपके पास, कांग्रेसी परेशान है, परेशान रहने दीजिए उनको, उनके अंदर आक्रोश है, पार्टी खत्म हो चुकी है, आक्रोश बरकरार है, आक्रोश भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारे दूर स्टेशन को 350 करोड़ रुपए मिला है और अभी डेवलप कर रहा है एयरपोर्ट जैसे, उसको बनाया जा रहा है, तो स्वच्छ भारत अभियान में सब चीजें हो रही है, तो कांग्रेसियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। 60 साल में इतना कर्जा नहीं लिया गया, उतना 10 साल में मोदी सरकार ने लिया गया। नीरव मोदी कहाँ भागे हैं, विजय माल्या कहाँ भागे, सब ऐसे कर्जा देंगे और देश से बाहर चल देंगे। 2 रुपए में गोबर खरीद के मिट्टी मिला के उसको 10 रुपए में किसान को जबरदस्ती बेचने वाले। कांग्रेसी और विपक्ष जो है वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि बाद में उनको माफी लगाना पड़ता है, आरोप तो बहुत लगाते हैं मोदी जी के ऊपर, लेकिन बाद में इनको माफी मांगना पड़ता है। मैं बोलती हूँ ऐसी बात बोलते ही क्यों है कि उनका कांग्रेस पूरा साफ हो जाता है। राम भक्त है, बिल्कुल है, हम लोग राम भक्त हैं और रहेंगे। 2014 में वो बदलाव आया जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि जो प्रदेश के दफ्तर है वहां पर अब वो पर्व भी मनाए जाएं, मसलन इफ्तार की पार्टी में अगर आप शामिल होते हैं तो गणेशोत्सव भी आपको मनाना होगा। 2014 से मैं बोल रहा हूँ, ये सब राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं। आज जब ये विकास हो रहा है, जब चीजें हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है, भ्रष्टाचार की खान है कांग्रेस सरकार। ये राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, ये लोग आज राम को मानने वाले बन गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग जिस चीज का
आने से मना करने वाले लोग राम के भक्त कहें तो ये बात शोभा नहीं देता। और माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु के रूप में आज प्रचलित हो, आप देखिए लोग उसको विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं, एक संत के रूप में देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जो एक व्यक्ति है जो पूरे देश का विदेश, आप देखिए विदेश से लेके 9 लोगों को छुड़ा कर ले आए, 9 हमारे सैनिकों को, ये हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो कतर से छुड़ाए गए उनको लेकर आपने कहा हमारा भारत विकसित देश की ओर जब अग्रसर है, जिस समय पे नए स्टार्टअप्स का हैंड होल्डिंग करते हुए उसे ऊपर उठाया जा रहा है, ये उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिनका स्टार्टअप कभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, उसको बार बार रिलॉन्च किया जा रहा है, वो सोच के लोग हैं, तो ये लोग कहां समझ पाएंगे जो हमेशा से भारत को विकासशील का तमगा लगाए हुए लोग हैं। तो विकसित भारत की जो आशाएं हैं वो इनको नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि इनका स्टार्टअप ही कई बार फेल हो चुका है। उनका स्टार्टअप कांग्रेस पार्टी 70 साल राज कर रही है और आज निश्चित अगर विपक्ष में हमारी जनता जनार्दन हमको नहीं जनादेश दिए, हम इसको स्वीकारते हैं, लेकिन हम हारे नहीं है और ना हार मानते हैं। निश्चित तौर पर हम स्टार्टिंग से फिर से लड़ेंगे और फिर से आएंगे। और श्री राम का नारा मैं लगाना चाहती हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर का बात कर रहा है भैया, आपको खुद पता होगा, ये डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है सदन में। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने राम जी का जो पुल है उसको काल्पनिक और चूना पत्थर इस बार के सदन में बताया। अगर नहीं बताया होगा और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ भैया, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, भिलाई छोड़ दूंगा। राम 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 काज करीब सब हम सब कर रहे हैं, रुक जाइए, राम से हटेंगे प्लीज। एकदम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, हम यहाँ देश के विकास पर चर्चा करना है, कोई दूसरे संगठन का आदमी हमको नहीं बताएगा कि हम राम को मानते नहीं मानते। हमारे आराध्य है राम, मैं भी हिंदू, मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, पर यह बात कि मैं भारत का हिंदू, मैं भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, मैं भारत का हिंदू। और कोई भी संगठन का आदमी हमारे आराध्य के बारे में बात नहीं करे, हम यहाँ राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप महंगाई में बात कीजिए, आप कांग्रेस को लिए बात करें, कोई हिंदुत्व बात नहीं करेगा। कोई अगर सर्टिफिकेट देगा तो फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं है, कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं देगा। बात और ये देखिए माता जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, हमारे आराध्य के बारे में हम नहीं सुनेंगे। आप है, आप बिल्कुल मानिए, आप हमको नहीं बोलेंगे कि हम राम को नहीं मानते, आप हमको नहीं बताएंगे। दूसरी बात, ये जो स्टार्टअप की बात कर रहे थे, ये आदरणीय चैम्बर के जो व्यापारी वर्ग से आए हैं, इनको मैं बता दूं, इनसे एक सीधा सवाल है, आज जो मोदी जी प्लेन में बैठ रहे हो, एयरपोर्ट किसके टाइम का बनाया हुआ है जी, कंप्यूटर में किसने बैठ के ज्ञान दे रहे हैं किसको? कांग्रेस ने जब आया था ना हमारे पास, खाने पैसे नहीं थे, लोग बचे देश नहीं बचेगा, वहां से कांग्रेस ने देश को लाके इस स्थिति में बनाया। हम लोग का जो देश है, हम 70 साल अगर राज किए हैं, आजादी के समय से अगर हम लोग साथ में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम भी हिंदू हैं और हिंदुत्व को हम मानते हैं। लेकिन इस देश के जो लोग, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी कराने में जो लोग, सब लोग, हर जाति धर्म के लोग अगर एक साथ मिल के काम किए, तो आज सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए, सभी को बराबरी का हक। बहुत शॉर्ट में प्लीज। भैया कंप्यूटर का बात कर रहे थे, हमारे देश में डिजिटल इंडिया के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया देश को, इन्हीं के मंत्री थे, सदन में बोलते थे आलू वाला कैसे डिजिटल पेमेंट लेगा, सब्जी वाला कैसे डिजिटल पेमेंट लेगा, ऐसी सोच के लोग जिनको पता ही नहीं था कि आलू वाला सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट कर सकता है। कंप्यूटर जब आया था आपने भी, हाँ देखिए क्या है ना, ये कांग्रेसियों की बौखलाहट है, आप समझ सकते हैं, जब देश को ना डेवलप होते हुए देख रहे हैं ना, तो इनको छोटी छोटी जो समस्याएं दिख रही है, इनको देश नहीं दिख रहा है, हमारा देश कहाँ चंद्रयान तक पहुँच गया है, लेकिन आज भी इन लोग छोटी छोटी बातों को उसको नुकसान डालते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को समझ गए हैं कि बड़े बड़े देश तक जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी नेता इसीलिए पूरे भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। ये 70 साल बोलते हैं, उस समय जनता अनपढ़ थी, इसलिए उसका ये लोग नाजायज फायदा उठाए, आज जाग गई है जनता, आज जागरूक हो गई है। इनके नेता राजीव गांधी जी बोला करते थे कि वहाँ 1 रुपया दिल्ली में डालो तो पब्लिक के पास 20 पैसा आता है, जो डायरेक्टली आती, जो इनको आज 20 खाने को जो नहीं मिल रहा है, ये भभक जो है आज उनको दिखती। भारतीय जनता पार्टी के राम नहीं है, हमारे राम अलग है, तो हम अयोध्या में बैठे वो हमारे राम है। मैं इन लोग से पूछना चाहती हूँ, इनके राम कौन है? भारतीय जनता पार्टी के राम कह करके इनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबको निमंत्रण दिया, तो ये क्यों नहीं है? वो तो हमारे हिंदुओं के नाम है। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कह रहा हूँ, सोनिया गांधी ने बयान दिया था, अगर राम मंदिर बनेगा तो अरब कंट्रीज तेल देना बंद कर दिए, आज मोदी जी ने अरब कंट्रीज में राम मंदिर बनवा के रख दिया, आप कहाँ है उनके बयान?
हमारे राम और बीजेपी के राम का बात उन्होंने कहा, बताइए आज ये लोग भारतीय संस्कृति में राम को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटने का काम कर रहे हैं। चलिए, जब आपने पूछ ही लिया था कि हमारे राम कौन है तो मैं बताता हूँ, हमारे राम सबरी के राम है, हमारे राम केवट के राम है, हमारे राम वो है जो कभी भेदभाव नहीं किए, हमारे राम वो है जो सबको लेके चलते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा रच रही है वो केवल राम को अपना बता रही है कि हमारे ही आरत भाई राम सबके है। और जब ये पूरी बहस चल रही होती है तो बहुत छोटा सा सवाल लेकर ये जो महिला हैं, ये लगातार घूम रही होती हैं। हम राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, हम राम राज्य को लेकर हर चीज अपने पाले में करना चाह रहे हैं, और उन सब के बीच ऐसे बहुत से सवाल मुस्कुराते हुए इसी तरीके से अनुत्तरित खड़े हुए हैं। तो आज की ये जो चर्चा है, आज का जो कहता है वोटर है, वो यहीं पर उसे विराम देना होगा। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब कहता है वोटर को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद आपका।